सहारनपुर के रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी के मामले में आज जीआरपी पुलिस ने खुलासा करते हुए दो शातिरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने स्टेशन मास्टर को बकायदा रजिस्टर्ड डाक से धमकी भरा पत्र भेजा था, जिसमें 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर न सिर्फ सहारनपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी थी, बल्कि सहारनपुर हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन को खटोली की तर्ज पर दुर्घटनाग्रस्त करने की बात भी लिखी गई थी। जीआरपी पुलिस ने मलहीपुर रोड शातिर असगर और दीपक को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 50,000 के लेन देन में तहसीन नाम के मौलवी को फंसाने के लिए उसके नाम से धमकी भरा पत्र भेजा था। और जी इसने बोला कि तुम्हें एक लेटर लिखना, मैं बोला कि मौत के लिए लिखना लेटर, तो मैं कह रहा इतना कर तू मेरा चिल्ला है, मेरे से सवाल जवाब मत कर। मगर ठीक है, जिसने मेरे को बोल रहा है मैं लिख दिया कि फिर मैं कहला मगर जो कोई दिक्कत परेशानी होगी या फंस गए कहीं तो मैं क्या होगा, कहला हुआ टेंशन तेरी नहीं है मेरी है, मैं अपने आप दे दूँगा। उसमें उन्होंने लिखवाया था रेलवे वाले के जी कि हम ऐसे ऐसे कर देंगे, हमारे पास में इतने आदमी है, ये है वो है, जिस तरीके की बातें इन्होंने लिखवाई थी। जी सर, मेरे से जो है 3 साल पहले सन 2015-26-3 में मेरे से सारे डॉक्यूमेंट ले गए, आधार कार्ड, पहचान पत्र और फोटो स्टेट उसकी बैंक की कॉपी की, और मेरी घरवाली की और भैया के सबके वो लिए गए। बाकायदा मकान के वहाँ के जहाँ छप्पर और टी वो पन्ने डले हुए थे उनके फ़ोटो लिए गए, और वो जो है उसके सारे इकट्ठे करने के बाद में कह लगे मैं तुम्हारे मकान बनवा दूँ। इसने मेरे से जो है 2-3 बार करके 50,000 रुपये लिया, और इसने जो है मुर्गा मार्गा कई मरता बनवाया, मैं अधिकारियों को मुर्गा खिलाऊँगा, और आप जो है अभी जल्दी काम हो जाए। मैंने कहा भाई मकान कहाँ, अगले साल मैंने मालूम किया, कह लगे वो सब नेट में चढ़ावा वो सब तैयार है, लिस्ट तैयार है, आपका मकान आ जाएगा। अब मैंने ये जब फ़ोन बार बार इसका बंद जा रहा, मैंने इस पर दबाव डाला भाई मेरे पैसे दे दे। मैं घर जाकर 2 महीने पहले इसके घर गया, घर जाकर इसका नंबर लिया, मैं कहा उसका नंबर नहीं मिल रहा, और वो हज़ार उसने नंबर बदल लिए। उसके बाद में मैंने जो इसको पैसों का तकाजा दिया, इसने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा प्लान बना जी, ये मुझे बनाया गया दोषी में जो, मगर पैसा मांगा तो मुझको बहुत बड़ा दोषी बनाया गया। और इससे पहले एक लेटर इसने पहले भेजा है, अगर इसको पैसे मांगे भाई 50,000 रुपये जमा कर दें, तो इसने 1.5 लाख रुपये का और एक मैटर भेजा। 7 सितंबर को स्टेशन अधीक्षक महोदय ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें एक धमकी वाला लेटर डाला गया था, जिसमें 1 करोड़ रुपये की डिमांड की गई थी, और ट्रेन एक्सीडेंट की और उनके फैमिली को इस तरह की कुछ धमकियां दी गई, जिसमें एक तहसीन नाम के आदमी की आईडी लगी थी और उसकी पासबुक पे वो लेटर लिखा गया था, जिसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये असगर उर्फ छोटन और दीपक बैरागी दो एक्यूज्ड पकड़े गए हैं, जिसमें जिन्होंने कन्फेस किया और सारा पता लगाया कि असगर ने ये लेटर दीपक से लिखवाया था और उसको पोस्ट किया था। We'll be right back.